हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ जम के बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आमले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव देव महादेव माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो ये निश्चित है, अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव, 12 महीने आता। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेल पत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 तने अक्षत के आखे अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना, जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां अशोक सुंदरी है और यहां से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहां जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बहरा इस ओर रखी, यहां पर भी 5 बार जल उसी कलश में से, 5 बार जल यहां पर और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफ है जो हमें आ रही है, बहुत जो तकलीफें हमें आ रही है, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को
हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है, एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को आपके कष्ट को मिटा ही देता। कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय प्रदोष के समय पर शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं, मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ जमके बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आमले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो ये निश्चित है, अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठा कर लिया ये और उस बेर को उठा कर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को जो शिवरात्रि के